गुजरातियों के लिए कश्मीर एक हॉट डेस्टिनेशन रहा है। अमूमन गर्मी में ज्यादातर गुजराती कश्मीर जाना पसंद करता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार नहीं के बराबर गुजराती कश्मीरी गए हैं। लेकिन फिर भी कश्मीर का ऑप्शन गुजरातियों ने ढूंढ लिया है और इस बार लेह लद्दाख और सिक्किम समेत नॉर्थ इंडिया के ठंडे प्रदेशों में हजारों गुजराती जा रहे हैं। ये है नवनीत भाई पटेल। फार्मिंग कारोबार से जुड़े नवनीत भाई इस बार अपने पूरे परिवार और संबंधियों के साथ सिक्किम जा रहे हैं। वैसे तो उनको जाना था कश्मीर, लेकिन वहां के हालात देखकर वो इस बार सिक्किम में गर्मियों की छुट्टियां मनाएंगे। इसका कारण भी वो साफ बताते हैं कि कश्मीर के हालात देखकर अब वहां जाना उन्हें उचित नहीं लगता। ऐसा ही कुछ प्लान हर गुजराती का है। कश्मीर में हिंसा के चलते गुजरात के ज्यादातर लोग इस बार कश्मीर जाने से कतरा रहे हैं। कश्मीर में अभी वो परिस्थितियाँ बहुत गंभीर है, पत्थर मारा सब हो रहा है। अपना जो आर्मी लोग है उसको भी काफ़ी परेशानी हो रही है, उधर के लोग भी बहुत परेशान हो रहे कर रहे हैं। इसकी वजह से हम कश्मीर जाना उचित नहीं समझते, इसलिए हम सिक्किम जा रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस साल गर्मी के सीजन में गुजरात से कश्मीर जाने वालों की संख्या 25 से 30 हजार है, लेकिन मौजूदा हालात में कोई भी गुजराती कश्मीर नहीं जाना चाहता। इसके बदले टूरिस्ट सिक्किम, दार्जिलिंग, लेह लद्दाख, नैनीताल, मसूरी समेत हिमाचल प्रदेश और अन्य हिल स्टेशन जा रहे हैं। सिक्किम में 8 दिन के टूर का खर्च 27,000 रुपए प्रति व्यक्ति आता है, जिसमें होटल में ठहरना, 2 वक्त का खाना, नाश्ता और साइट सीन शामिल है। लेह लद्दाख के 7 दिन के टूर का प्रति व्यक्ति पैकेज 27,000 रुपए का है, जिसमें होटल में ठहरना, 2 वक्त का खाना, नाश्ता और साइट सीन शामिल है। इतना ही खर्च 7 दिन की यात्रा का नैनीताल, रानीखेत और कॉर्बेट नेशनल पार्क का है, जिसमें भी होटल में रहना, 2 वक्त का खाना, नाश्ता और साइट सीन शामिल है। अगर कोई चार धाम यात्रा करना चाहे तो इसका पैकेज 12 दिन का है। इसका प्रति व्यक्ति खर्च 30,000 रुपए है, जिसमें रहना, खाना, नाश्ता और साइट सीन शामिल है। इस समर सीजन में गुजरात से 25 से 30 हजार टूरिस्ट लेह लद्दाख समेत नॉर्थ इंडिया के कूल डेस्टिनेशन पर अपनी छुट्टियां मनाने जाने वाले हैं। लेह ये बार लोग काफ़ी गए हैं। इसके अलावा ये बार हम सिक्किम, दार्जिलिंग, गैंगटॉक भी काफ़ी लोगों को भेज रहे हैं। नैनीताल, रानीखेत, मतलब कश्मीर के अलावा नॉर्दर्न पार्ट में काफ़ी जगह पर लोग जा रहे हैं। और मेरा अनुमान ऐसा है कि गुजरात से 25-30 हजार लोग मिनिमम ये जगहों पर जाएंगे। गुजराती लोग देश विदेश में घूमने के लिए जाने जाते हैं। कश्मीर के हालात भले ही ठीक ना हो, लेकिन थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके गुजराती देश के दूसरे हिस्सों में दिल खोल कर छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं। भले ही गुजराती टूरिस्ट इस बार कश्मीर जाने से कतरा रहे हो, लेकिन लेह लद्दाख और ठंडे प्रदेशों में जाकर न केवल वो अपना समर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर के पत्थरबाजों को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि जहाँ शांति है वहीं पर प्रगति है। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा खुलासा करते हुए आम आदमी पार्टी की फंडिंग में काले धन के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। केजरीवाल के खिलाफ सत्याग्रह के 5वें दिन कपिल मिश्रा ने आप पर चंदे की जानकारी चुनाव आयोग और पार्टी कार्यकर्ताओं से छिपाने का आरोप लगाया और दावा किया कि आपने फर्जी कंपनियों के जरिए चंदा जुटाया। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को करप्ट बताते हुए तिहाड़ जेल पहुंचाने का भी दावा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कपिल मिश्रा बेहोश हो गए, उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा, कसम खा के बैठा हूं कपिल मिश्रा हूं मैं। कपिल मिश्रा के खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई सामने आई। इतना बड़ा फ्रॉड मीडिया के सामने हो रहा है, 35-35 करोड़ के फर्जी चेक आपको दिखा दिए जा रहे हैं। अरे भैया ऐसे तो कोई भी चेक बना के, मैं ही बना के लेके आया, 70 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चेक है, बना लिया मैंने। अरे किसका चेक है, किसने दिया है, कोई मतलब नहीं, कॉमेडी सर्कस चल रहा है। 35-35 करोड़ के 2 चेक दिखा दिए गए। 4 नोटिस पिछले हफ्ते आए हैं, आप रोज हमसे जो जानकारी मांगते हैं हम आपको वो जानकारियां दे देते हैं।
फिर भी आप लोग नहीं कुछ कर पा रहे। इतनी आप लोगों की बुरी हालत हो गई है कि अब आपको शिखंडियों का सहारा लेकर हम पे वार करना पड़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस ने आरोपों पर केजरीवाल की चुप्पी पर निशाना साधा और इस्तीफे की मांग की। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आ गया और उनके अपने ही एक मंत्री ने, उनके अपने एक सिरपा सलार ने जो कागज जनता के बीच में रखे हैं, उसके बाद केजरीवाल जी को अब अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का फिट केस बनता है। और यही नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न इससे भी बड़ा ये होता है कि ये पैसा कहां से आ रहा है। और बाकायदा इस खुलासे में जो नील टेरेंस ने किया है उसमें साफ जाहिर है कि जो शेयर होल्डर्स हैं या कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके तार पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के एमएलए से लिंक्ड हैं। कपिल मिश्रा के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने 2013-14 और 2014-15 में पार्टी को मिलने वाले करोड़ों के चंदे को चुनाव आयोग और इनकम टैक्स विभाग से छिपाया। कपिल मिश्रा ने आपकी वेबसाइट पर भी चंदे की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि लगातार 3 साल से आपके चंदे की आड़ में काले धन को सफेद किया जा रहा है। कपिल मिश्रा ने 16 ऐसी फर्जी कंपनियों का जिक्र किया जिन्होंने एक साथ रात 12 बजे आपको चंदा दिया। इनमें से ज्यादातर के बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक की उस कृष्णा नगर ब्रांच में हैं जहां नोटबंदी के दौरान छापे पड़े थे। तो कपिल मिश्रा ने आज एक खुलासा किया, हालांकि उसके जवाब में आप पार्टी के तमाम नेता भी सामने आए।